अयोध्या में सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और उनके प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के बाद अब लगातार दर्शन के लिए श्रद्धालु आए हुए हैं। बीते पिछले एक हफ्ते से यहां फुल सिक्योरिटी व्यवस्था थी और फुल सिक्योरिटी के बावजूद कार्यक्रम तो हो गया, लेकिन अब बड़ी संख्या में जो भक्तों की जो भीड़ है वो लाखों में है। सुबह से करीब अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लेकिन लंबी लाइन है। करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन है, 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन है मेन गेट से लेकर के पूरी रोड में आगे तक। यहां तक आप जाएंगे तो सिर ही सिर नजर आ रहे हैं और इसीलिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था अभी भी वैसी ही है। फिर से एक बार आरएफ और जिनको ये माना जा रहा था कि छुट्टी हो जाएगी, वो अभी भी छुट्टी की स्थिति में नहीं है और अभी फोर्स को अयोध्या में ही रोक लिया गया है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं कि पीछे लंबी लाइनें, करीब 3 किलोमीटर लंबी। अभी यहां से करीब आधा किलोमीटर दूर मंदिर का मुख्य द्वार यानी कि सिंह द्वार है, उसके बाद वहां से करीब 800 मीटर अंदर मंदिर है और बार बार यानी कई जगह ब्लॉक्स में इनको श्रद्धालुओं को रोका गया है। और कई बार तो क्योंकि जैसे ही ब्लॉक छूटता है भगदड़ जैसी हालात हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अंदर जाना चाहता है और इसीलिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उसको लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से, इसके अलावा अगल बगल जो लोग लगे हुए हैं भंडारों में या भंडारे और उन सबको लगातार वो खाना भी खिला रहे हैं, लेकिन यहाँ जो भीड़ है वो बहुत बढ़ती जा रही है। और आज आरती के लिए सिर्फ पट कपाट नहीं बंद किए जा रहे हैं, सिर्फ आरती हो रही है और आरती होने के बाद सीधे सभी को दर्शन करा दिए जा रहे हैं और आज एक बार भी कपाट बंद नहीं किए गए हैं। और देख सकते हैं आप, हम लगातार अभी चलते जा रहे हैं, करीब अभी भी 300 मीटर दूर है गेट और उसके बाद वहां से मुख्य द्वार से अंदर जाने के लिए एक लंबी लंबी लाइनें और ब्लॉक्स हैं जिनको पार करना अभी बाकी है। मतलब अभी जो लाइन में जो श्रद्धालु लगे हैं उन्हें श्रद्धालुओं को जो स्थिति है उस हिसाब से करीब आधे से पौन घंटा लग जा रहा है, पौन घंटा लग जा रहा है दर्शन करने में, यानी लाइनें लंबी हैं। और अभी भी जो श्रद्धालु हैं, एक तरफ देखिए कि एक तरफ श्रद्धालु जा रहे हैं वापस दर्शन करने के बाद और एक तरफ जो दूसरी भीड़ है वो भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की। दूसरी तरफ श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ फोर्स का ये जो मुख्य गेट है, यहाँ पर फोर्स का जो जमावड़ा है वो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में, करीब सैकड़ों की संख्या में आरएफ से लेकर के अभी भी फोर्स लगाई गई है। आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ से फोर्स का नजारा दिखाया जाए तो फोर्स बड़ी संख्या में इस गेट में लगी हुई है ताकि कोई किसी प्रकार की भगदड़ या कोई ऐसी अनहोनी ना हो। इसको देखते हुए देख सकते हैं आप कितनी संख्या में फोर्स लगी हुई है। अभी भी कई बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं और ये गेट जो अभी उतारा जा रहा है उसके अंदर 4 ब्लॉक बने हुए हैं जिनमें बारी बारी से श्रद्धालुओं को धीरे धीरे करके एक एक करके, जैसे एक ब्लॉक खाली होता है दूसरे ब्लॉक से लोगों को छोड़ा जाता है और दूसरे ब्लॉक से तीसरे में, मतलब 4 ब्लॉक इस गेट से करीब 800 मीटर जो दूर है उसमें 4 ब्लॉक बने हुए हैं और 4 ब्लॉक के बाद अंदर से श्रद्धालु पहुंच करके अपने दर्शन पा रहे हैं। यानी लंबी करीब 3 किलोमीटर की जो लंबी लाइन है और करीब 3 से 4 घंटे एक व्यक्ति को अंदर पहुंचने में वक्त लग रहा है। श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है वो अयोध्या में अपार है और इसी श्रद्धा के लिए वो कई दिनों से इंतजार कर रहे थे और अब चूंकि आज पहला दिन है तो हर व्यक्ति प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता है और अभी से लाइनें टूटने का नाम नहीं ले रही हैं। अयोध्या से फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया।